नमस्कार, मैं विजय खौसे WH न्यूज की जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। खबर देखने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। वाड़ी में महावितरण कर्मचारी आया पॉजिटिव, संख्या हुई 4। रायगढ़ में ही 1.5 माह से था कार्यरत। किराए के मकान में करता था निवास, मकान सील। वाड़ी में महावितरण कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब पॉजिटिव की संख्या 4 हुई। पॉजिटिव कर्मचारी को उपचार के लिए एम्स में भर्ती करने की जानकारी स्वास्थ्य निरीक्षक धनंजय गोतमारे ने दी। बताया गया कि कर्मचारी सत्य साई बाबा सोसाइटी में किराए पर निवास करता था, वाड़ी के महावितरण में कार्यरत था, लेकिन पिछले माह रायगढ़ में आए तूफान में हुए बिजली के नुकसान को सुधारने नागपुर से महावितरण की टीम भेजी गई थी, जिसमें वाड़ी के कर्मचारी को भी भेजा गया था। यह कर्मचारी 2 जुलाई को वाड़ी घर आया। 3 जुलाई को वह घर पर ही रहा। कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देने पर उसने खुद निजी जांच करवाई और वह घर में एक दिन होम क्वारंटाइन रहा। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वह एम्स में भर्ती हो गया, जिसके कारण वाड़ी में होने वाला संक्रमण रुका। घर मालक के परिवार के 6 लोगों को अपने ही घर में होम क्वारंटाइन किया गया। बताया गया कि रायगढ़ में आंधी तूफान आने से वहां पर महावितरण के कर्मचारियों को भेजा गया था। बीते 1.5 माह से कर्मचारी रायगढ़ में ही थे। कर्मचारी पत्नी के साथ किराए के मकान पर वाड़ी के सत्य साई बाबा सोसाइटी में रहता था, लेकिन रायगढ़ में नागपुर के टीम के साथ भेजने से उसने पत्नी को ससुराल में भेज दिया था। तब से उसकी पत्नी वहीं पर है। कर्मचारी पॉजिटिव आने से किसी के भी संपर्क में नहीं आया। नगर परिषद को सूचना मिलते ही मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले, स्वास्थ्य निरीक्षक धनंजय गोतमारे, नगर परिषद सफाई कर्मचारी प्रवीण नांदुरकर व प्रफुल्ल गुड़धे सत्य साई बाबा सोसाइटी में पहुंचकर घर को सील कर दिया। नागरिकों ने सतर्कता से रहकर मास्क सैनिटाइजर का वापर कर 2 गज दूरी रखने का आह्वान मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले ने किया। WH ब्यूरो रिपोर्ट, वाड़ी, नागपुर। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले। वाड़ी शहरात आपला 4th पॉजिटिव एक सापडलेला आहे आणि तो असणारा पॉजिटिव वाड़ी शहरामध्ये त्याचा असणारा कॉन्टॅक्ट कमी आहे, परंतु तो या ठिकाणी 15 दिवसापूर्वी तो त्या ठिकाणी रायगड या ठिकाणी गेलेला होता आणि शासकीय कामाने गेलेला होता। आल्यानंतर त्याला लगेच तो आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याची टेस्ट झाली आणि टेस्ट झाल्यामुळे तो कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आला आहे। त्याचा अतिशय मिनिमम कॉन्टॅक्ट असल्यामुळे, कारण तो सेपरेट राहत होता, होम क्वारंटाईन सारखा तो होता, त्यामुळे एक इमारत ज्या ठिकाणी तो राहत होता त्या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या जितक्या फॅमिली असेल त्या फॅमिलीला आपण क्वारंटाईन केलेलं आहे, त्या एरियाला आपण सील केलेलं आहे एका इमारतीला। त्यामुळे वाडी शहरामध्ये आपण स्वतः दक्षता घ्यावी आणि येणारे जे बाहेरचे लोक आहेत किंवा मुंबई पुणे किंवा इतर हॉटस्पॉट ठिकाणाहून येणारे लोक आहेत त्यांची तात्काळ माहिती, आम्हाला तर माहिती मिळतच असते, परंतु आपण नागरिकांनीसुद्धा ती माहिती कार्यालयाला द्यावी, जेणेकरून आम्ही त्यांना टेस्टसाठी पाठवणं किंवा होम क्वारंटाईन करण्याची जी प्रक्रिया ती करता येईल। त्यामुळे सुरक्षित राहावे, दक्ष राहावे आणि सुरक्षित राहावे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए WH न्यूज़.in पर भेज दें। धन्यवाद।